सो व्हाट्स अप गाइस, तो अगर आप इस वाली वीडियो पे क्लिक किए हैं तो 110% आपका भाई गारंटी देता है कि अगर आप इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो आप इस टाइप की सीवी फोटो एडिटिंग गाइस ऐसे चुटकियों में कर सकते हैं। और आपका भाई इस वीडियो के अंदर आपको क्या बताने वाला है कि कैसे आप अपनी फेस को स्मूथ कर सकते हैं, कपड़े की कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज, और तो और गाइस आपका भाई आपको ना अपनी हेयर को भी एडिट करना बताएगा कि कैसे आप अपने हेयर को एडिट करेंगे साथ ही वाइट करेंगे। तो इन सारी चीजों को सीखने के लिए इस वीडियो को गाइस शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। और आपका भाई इतना सिंपल तरीके से इस वीडियो में सारी चीजें बताई हैं कि पूरे YouTube पे इतना सिंपल तरीके से आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो वीडियो को गाइस शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइज आपको सिंपल से आपको स्नैपसीड ऐप को ओपन करके और प्लस के आइकन पे गाइज क्लिक करके आप जिस भी फोटो को एडिट करना चाहते हैं उसे यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल दोस्तों मैं कर लेता हूं, आप लोग भी कर लीजिएगा। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों का फोटो स्नैपसीड ऐप में ओपन हो चुका है। और गाइस जो भी मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ केवल आप उसे फॉलो कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी फोटो को सीवी टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे। गाइस सबसे पहला स्टेप हम लोगों का ये होगा कि हम अपने फेस को वाइट कैसे करेंगे। तो उसको वाइट करने के लिए गाइस आपको इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके और थोड़ा सा ऐसे नीचे आएंगे, यहाँ पे डर्मा का एक ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस डर्मा के ऑप्शंस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। देन दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आप लोगों के सामने बहुत सारे यहाँ से फिल्टर्स नज़र आएंगे। तो यहाँ पे एक डर्मा 1 का फिल्टर मिलेगा, तो इसे आपको लेके और सिंपल राइट क्लिक कर देना होगा। अगर जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो पूरी फोटो आपकी कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी। तो गाइस क्या करेंगे, ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक करके व्यू एडिट के ऑप्शन और यहाँ पे डर्मा पे क्लिक करके गाइस ब्रश को ले लेंगे। और गाइस जैसे ही आप ब्रश को लेंगे तो साइज यहाँ से आपको 100 कर लेना होगा और फोटो को आपको अपनी जूम करके ना केवल आप अपने स्क्रीन पे गाइस इसे ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। गाइस आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, तो आप अपने स्क्रीन पे ही केवल इसे ड्रॉ कीजिएगा, अदर पार्ट पे इसे ड्रॉ मत कीजिएगा। फिर ड्रॉ करने के बाद गाइस मैं अभी फेस का काम तो बहुत सारा बाकी है, पहले तो मैं इसीलिए ये बता दिया हूँ कि फेस को आपको वाइट कैसे करना है। और इसके बाद गाइस मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी कपड़े की कलर चेंज करेंगे और स्किन को स्मूथ करेंगे। सारी चीज़ें गाइस बहुत ही सिंपल तरीके से आपका भाई बताने वाला है। तो वीडियो को गाइस शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिएगा, तभी आप सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से समझ पाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं हम लोगों का इतना अच्छे से हो गया स्किन वाइट। और सिंपली यहां से राइट क्लिक करके आपको यहां से बैक आना होगा और बैक आते ही आफ्टर बिफोर आप अपनी स्किन को देख ही सकते हैं। तो गाइस क्या करेंगे, थोड़ा सा और स्किन पे हम लोग काम कर लेते हैं। तो पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट वाले पे गाइस क्लिक करके आप अपनी फेस को ऐसा सेलेक्ट करके छोटा करके ब्राइटनेस को इंक्रीज करके और नीचे आके इसकी सैचुरेशन को डिक्रीज कर देंगे। देन दोस्तों आप ये प्रोसेस वहाँ कीजिएगा जहाँ जहाँ पे आपका स्किन डार्क है। तो मैं गाइस फटाफट से ऐसे करके और राइट क्लिक कर लेता हूँ। और राइट आप जैसे ही गाइस क्लिक करेंगे तो पूरी फोटो आपकी कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी। तो गाइस इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी हेयर को भी एडिट करना बताऊंगा कि कैसे आप अपनी हेयर को वाइट कलर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। पहले गाइज उसको जानने से पहले गाइज मैं अपने कपड़े की कलर को चेंज कर लेता हूँ। तो उसको चेंज करने के लिए गाइज आपको सिंपल से पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके देन दोस्तों क्लिक कर लेने के बाद आपको ऐसे नीचे साइड आना होगा और यहाँ पे डबल एक्सपोजर के आइकन पे क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन, और यहाँ से एक रेड कलर के कलर पैनल को हम लोग ले लेंगे और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इजिली इसे डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी चीज़ें यूज हो रही हैं। तो गाइज लेने के बाद आपको नीचे साइड में 3 ऑप्शंस मिलेंगे, तो बीच वाले पे क्लिक करके यहाँ से ओवरले भी कर सकते हैं आप, सबट्रैक्ट भी। तो मैं ओवरले करके और सिंपली यहाँ से राइट क्लिक कर दूंगा। देन दोस्तों राइट आप क्लिक कर लेने के बाद ना ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक करेंगे, व्यू एडिट के ऑप्शन, और यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके ब्रश को ले लेंगे। और ब्रश को लेने के बाद साइज यहाँ से हम लोग का 100 ही रहेगा गाइज। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, अगर आपका गलती से ना यहाँ अदर पार्ट पे इसे चल जाता है कलर, तो साइज को आपको 0 करके और ऐसे आप इसे रिकवर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं साइज को 100 करके अपने टी शर्ट पे केवल इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं फटाफट से इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, आप लोग भी अपने जो भी कपड़े का कलर होगा उस पर ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर आपका कहीं गलती से मिस्टेक हो जाता है तो साइज को 0 करके उसे मिटका सकते हैं। तो मैं पहले ये कर लेता हूँ, फिर आगे के प्रोसेस में आपको अपने हेयर का कलर भी चेंज
चेंज करना बताऊंगा। साथ ही गाइस कैसे आप अपने बैकग्राउंड को सीवी टाइप में करेंगे ये भी सारी चीज़ें आपका भाई बताने वाला है। तो वीडियो को गाइस शुरू से लेकर लास्ट तक आप लाजमी देखिएगा। सिंपल से आपको अपने पूरे टी शर्ट पे इसे ड्रॉ कर लेने के बाद आपको राइट क्लिक करके आपको यहाँ से बैक आ जाना होगा। गाइस ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन जानकारी आपको प्रॉपर इस वीडियो के अंदर दी जाएंगी। तो टी शर्ट की कलर गाइस तो चेंज हो गया है, अब बारी आती है कैसे आप अपने बैकग्राउंड को गाइस ना सीवी टाइप में कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। तो इसे भी जानने के लिए गाइस आप क्या करेंगे ना, सिंपली आपको इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके डबल एक्सपोजर के आइकन पर क्लिक करना होगा। प्लस के आइकन पे गाइस आप क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक कर लेने के बाद गाइस ना आपको एक बैकग्राउंड को ले लेना होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस मिल जाएगा, आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा इजी स्टेप में। बैकग्राउंड को लेने के बाद इसकी ओपेसिटी वाले आइकन पे हम लोग क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को 100 करके और राइट क्लिक कर देंगे। देन दोस्तों राइट आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरी फोटो आपकी कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पर क्लिक करके व्यू एडिट के ऑप्शन और यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके ब्रश को ले लेंगे। और ब्रश को लेने के बाद साइज यहाँ से 100 मिलेगा। आपको फोटो को ऐसे जूम करके पूरा एकदम जूम करके गाइज आपको अपनी बॉडी को छोड़ के ऐसे इसके साइड से आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना होगा जैसे गाइज मैं कर रहा हूँ। अगर गलती से आपका ऐसा बॉडी पे आ जाता है तो साइज को यहाँ से जीरो करके आप इसे कवर भी कर सकते हैं। तो मैं साइज को 100 करके गाइज इसे फटाफट से कर लेता हूं। फिर अगला प्रोसेस यही होगा गाइज कैसे आप अपने फेस को स्मूथ करेंगे, साथ ही गाइज आप अपने हेयर को ना कैसे अच्छे से बनाएंगे, उसकी कलर को चेंज करेंगे। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, तभी आप ये सारी चीजें जान पाएंगे। तो मैं फटाफट से गाइज ये कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो गाइज आपको ऐसे कर लेने के बाद आपको यहाँ से राइट क्लिक करके आपको यहाँ से गाइज बैक आ जाना होगा। और बैक आप जैसे ही आएंगे गाइज ना तो कुछ इस टाइप की फोटो आपकी देखने को मिलेगी। तो गाइज इतना सारा काम हो जाने के बाद अब बारी आती है कि आप अपने ना फेस को कैसे स्मूथ करेंगे और साथ ही गाइज आप अपने हेयर को ना कैसे वाइट करेंगे यानी कि बनाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को गाइज हम लोग स्केच बुक में करने वाले हैं। तो क्या करेंगे गाइज ना इस फोटो को उसमें शेयर कर लेते हैं। तो इस डाउनलोड के आइकन पे गाइज आप क्लिक करके इस वीडियो और फोटो को यहाँ से शेयर कर लेंगे हम लोग स्केच बुक में। तो मैं यहाँ पे स्केच बुक में इस फोटो को गाइज शेयर कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा। तो ये फोटो स्केच बुक में गाइज हम लोगों का शेयर हो चुका है, तो मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ। देन दोस्तों आपको क्या करना होगा ना, इसके बाद इस वाले आइकन पे टूल्स के आइकन पे क्लिक करना होगा। देन दोस्तों आपको टूल्स के आइकन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे बहुत सारे ब्रश देखने को मिलेंगे। तो आपको इस मर्ज में गाइज आ जाने के बाद ना लास्ट से तीसरे नंबर वाले ब्रश को लेके गाइज आपको इसकी सेटिंग्स को देख सकते हैं मैंने क्या रखा है। स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिएगा, आपको भी सेम यही सेटिंग्स रखना होगा। साइज अपने मुताबिक यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं और नीचे साइड में क्रॉस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। देन दोस्तों फोटो को ऐसे जूम करके आपको अपने यहाँ से ना इस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इतना साइज रख के अपनी फेस को ऐसे अच्छे तरीके से स्मूथ कर लूँगा, आप लोग भी गाइज स्मूथ कर लीजिएगा अपनी स्किन को। मैं भी फटाफट से यहाँ से करके फिर अगला स्टेप आपका ये होने वाला कि कैसे आप अपने हेयर को बनाएंगे। तो सारी चीज़ें गाइज मैं बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। तो पहले तो मैं फेस को स्मूथ कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। गाइज आपको अपनी स्किन को स्मूथ कर लेने के बाद ना अगेन इसी टूल्स के आइकन पे क्लिक करके आपको ना लाइब्रेरी में आके एक और ब्रश को गाइज लेना होगा। तो आपको ऐसे ऊपर साइड में गाइज आना होगा और आने के बाद यहाँ पे ना एस्थेटिक पेंट वाले में आके गाइज इस वाले ब्रश को लेना होगा। देख सकते हैं गाइज कौन सा ब्रश मैंने लिया है और इसकी सेटिंग को आप लोग देख लीजिएगा। सेम सेटिंग गाइज आप रखिएगा, स्किन शॉट लेके रख लीजिएगा, साइज अपने मुताबिक यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 50 किया हूँ और नीचे साइड में क्रॉस क्लिक कर दूंगा। देन दोस्तों फोटो को आपको ऐसे जूम करके
और फोटो को जूम करके गाइस बहुत ही आसानी तरीके से आपको ऐसे बालों के ऊपर आपको आधा बालों को छोड़ के ऐसे इसे ड्रॉ कर देना होगा। तो गाइस मैं फटाफट से ऐसे ड्रॉ करके अपनी पूरे हेयर को बना लेता हूँ, आप लोग भी बना लीजिएगा, देखते रहिए मैं कैसे बना रहा हूँ। एक बात और गाइस, आप तुरंत ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप ऐसे आराम आराम से अपने बालों को कीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं गाइस कितना आसानी से बालों का कलर भी चेंज हो रहा है और साथ ही गाइस ना बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों का हेयर भी बन रहा है। तो मैं पूरा बना के आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा बना है। गाइज देख लीजिए हम लोगों का हेयर भी काफ़ी अच्छे से हो चुका है यहाँ पे और फेस भी स्मूथ हो चुका है। तो फाइनल काम गाइज हम लोग का ये होने वाला है ना कि कैसे आप अपनी पूरी फोटो को अच्छे से कलर ग्रेड करेंगे, साथ ही इसमें डिटेल्स को ऐड करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए गाइज सबसे पहले इस फोटो को हम लोग सेव कर लेते हैं यहाँ से। तो इस वाले आइकन पे क्लिक करके गाइज यहाँ से शेयर के आइकन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर देंगे और हम लोग का ये फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। और सेव हो जाने के बाद सीधे हम लोग इस फोटो को ना लाइटरूम ऐप में ओपन कर लेते हैं। तो मैं फटाफट से ओपन कर लेता हूँ। सो गाइज इस फोटो को हम लोगों ने लाइटरूम में ओपन कर लिया है। देन दोस्तों सबसे पहले लाइट वाले ऑप्शन पे आके इसकी कंट्रास्ट को हम लोग इंक्रीज कर देंगे, शैडो को थोड़ा सा इंक्रीज करके ब्लैक्स को डिक्रीज कर देंगे। अगेन गाइज कलर्स के आइकन पे आके इसकी वाइब्रेंस को हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं, थोड़ा सा सैचुएशन को भी इंक्रीज कर लेंगे। और यहाँ पे ना मिक्स टूल के आइकन पे जाके और आपको क्या करना होगा ना, फेस वाली कलर को लेके सैचुएशन को थोड़ा सा डिक्रीज करके ल्यूमिनेंस को इंक्रीज कर देंगे। रेड कलर को लेके इसकी सैचुएशन को हम लोग थोड़ा ऐसे इंक्रीज कर देंगे और ब्लू कलर को लेके इसकी ह्यू को थोड़ा सा डिक्रीज करके सैचुएशन को इंक्रीज करके और डन क्लिक कर देंगे। और गाइस इफेक्ट वाले आइकन पे आके डिटेल्स को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, डीआई को इंक्रीज कर देंगे। और ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आपको इस पे आना होगा और इस पे आने के बाद इसकी शार्पनिंग को इंक्रीज करके मास्किंग को भी इंक्रीज कर देंगे, नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज कर देंगे और यहाँ पे कलर्स नॉइस रिडक्शन को भी इंक्रीज करके स्मूथनेस को भी इंक्रीज कर देंगे। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आपका ऑल टू ऑल देख सकते हैं फोटो कितना बेहतरीन सी एडिट हो चुकी है। सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, कोई भी कमी इस फोटो में अब नहीं है। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को इस टाइप की सी भी फोटो एडिटिंग गाइस सिखा दिया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस फोटो को सेव करने के लिए शेयर के आइकन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस क्लिक कर देंगे और हम लोग का ये फोटो ना गैलरी में सेव हो जाएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।